तो आज हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से आप जो है फोल्डर का आइकन अपन चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लेना है, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना देते हैं। यहाँ पे विंडो के बना रहता है न्यू फोल्डर का ऑप्शन, उसे या तो क्लिक करो तो भी बन जाता है। यहाँ पे हमने फोल्डर बना दिया है, फोल्डर के आइकन को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, एक और फोल्डर जो है मैं बना लेता हूँ, और एक और फोल्डर जो है मैं बना रहता हूँ। मैंने तीन फोल्डर्स को बनाया है। अब फोल्डर्स का अगर आप चाहें तो आइकन भी चेंज कर सकते हैं, हालांकि हमेशा ये येलो कलर का फोल्डर देता है। तो इस फोल्डर को क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, तो प्रॉपर्टीज में जाना है। जैसे आप प्रॉपर्टीज में जाओगे, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। जैसे आप प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको ऐसा टास्क दिखेगा। इस टास्क पे हमको कस्टमाइज ऑप्शन में जाना है और चेंज आइकन में जाना है। फिर से देखिए, किसी भी फोल्डर में क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं और कस्टमाइज में जाते हैं। कस्टमाइज में जाने के बाद आपको यहाँ चेंज आइकन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें क्लिक करना है और ऐसे आइकन्स आ जाते हैं जिसमें से आप कोई भी आइकन्स जो सेलेक्ट करने हो, या फिर आप आगे भी देख सकते हो इस टाइप से आइकन दिए हुए हैं, तो कोई भी आइकन जो आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से मुझे जो एक आइकन मैं लगाने जा रहा हूँ, एक ट्री का ट्री लगाया और मैंने ओके किया, फिर आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है, फिर ओके कर देना है। इस प्रकार से आइकन चेंज हो जाता है। ये फोल्डर का आइकन चेंज हो चुका है। इस प्रकार से आप इसका भी चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज जाते हैं, फिर कस्टमाइज में जाते हैं, फिर आपने चेंज आइकन पे क्लिक किया और आपने इसको आइकन ये रेड वाला आपने देके अप्लाई करके ओके कर दिया। इसका भी आइकन चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए और कस्टमाइज में जाना है। ध्यान रखना, कस्टमाइज में जाना है, फिर चेंज आइकन में जाना है, फिर आप जो आपको सूटेबल लगे आप उसको लेकर आप क्लिक करके फिर अप्लाई करके ओके कर देना। इस प्रकार से आप आइकन चेंज कर सकते हैं। ठीक है।